नमस्कार, मैं जिलाध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी आगरा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने नेतृत्व को, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने इस लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर मजबूर दिहाड़ी लोग, जो अपने घरों के लिए जा रहे थे इस वैश्विक महामारी के चलते हुए, इस सरकार ने बगैर तैयारी किए हुए 4 घंटे की नोटिस पर हमारे मज़दूरों को जिस जगह हो वहाँ रोक दिया है। वो अपने घर नहीं पहुँच सकते तो उनको, ऐसे लोगों को घर पहुँचाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये जो फैसला किया है कि उन मज़दूरों को, उन मजबूर लोगों को, दिहाड़ी लोगों को उनकी घरों पर पहुंचा जाएगा, वो भी कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे के बहन पर। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की सहायता के लिए तत्पर खड़ी रहती है। सरकार ने जो जो फैसला किया है कि गरीब लोग सोशल डिस्टेंस बनाते हुए जहां हैं वहीं रुके, लेकिन आज वो इस वैश्विक महामारी से तो बच भी जाएं, लेकिन आज जो सरकार उनके साथ बर्ताव कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है कि उनके लिए खाने के लिए नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए मजदूर भाई अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं अब उन मजदूर और मजबूर भाइयों से कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी आपको आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। क्या हमें वहाँ से भाग के आना पड़ रहा है? आपके बगल से होके निकाल के आ रहे हैं लोग, कम से कम। और आप भी ये है गुना से, गुना अशोक नगर है, गुना शिवपुरी में, लेकिन यहाँ एक मालिक लेके आए थे गाड़ी में, 2 महीने से बेचारे वही उनके कर रहे थे। रात को बारिश हुई, बारिश में भीगते हुए मैं बाहर निकाल दिया, इन्होंने सड़क पे जीवन यापन किया, लेकिन सवेरे बोले कि अभी यहाँ से जाइएगा। अब ये लोग पैदल जा रहे हैं, हमें हमारे अध्यक्ष ने बताया, राजकुमार जी ने ऐसे करके पहुंची ले जा रहे, बैठ गए हमारे दुकान। लॉकडाउन हो गया, अब तो इनकी ये व्यवस्था की गई, अर्जुन साहब से मेरी बात हुई है, तो अब तो इनकी ये व्यवस्था की, यहाँ क्वारंटाइन सबने बनाई गए हैं, फिर वही बात, अगर ऐसा ही रखते तो क्या बताना अपने रात को, आप भी बताना। बारिश हुई और जहाँ गोबर कर रहे हैं इनके ऊपर, निकल गए अभी, कुछ निकल गए लेकिन हमने देख नहीं पाए, पैदल 7 लोग निकल गए कहीं पे हैं, तो तुम्हारे जो हाथ ही है उनका नंबर तो होगा किसी का? नहीं, हमारे पास हट, अरे अपने साथियों का तो नंबर होगा। अरे भाई साहब, अभी अभी यहाँ कुछ लोगों से मैं थोड़ा सा बात कर रहा, लो अभी किसी से बात करो भैया, जिस जगह आप काम कर रहे थे उनका कोल्ड स्टोर है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।